वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन इज फॉर यू। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो स्टूडेंट्स के लिए होने जा रही है, जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे LIC कॉरपोरेशन की तरफ से जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है उसके रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है स्कॉलरशिप की, कौन से टर्म्स कंडीशंस है इस स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे लास्ट डेट क्या है स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा कितना अमाउंट आपको स्कॉलरशिप LIC प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको फॉर्म कैसे सबमिट करना है, वो सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखना है। ड्यूरिंग वीडियो अगर आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। ये स्कॉलरशिप अगर आप अपने मोबाइल ब्राउजर से या अपने लैपटॉप के ब्राउजर से, जहां से भी आप इसके लिए सबमिट कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, आप डायरेक्ट अपने ब्राउजर में LICIndia.in दे सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अगर आप डायरेक्ट होम पेज पे जाएंगे, नीचे आपके इस वेबसाइट पे गोल्डन जुबली फाउंडेशन, इस स्कॉलरशिप का दूसरा नाम जो है वो गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप है। आपने इस यहाँ पे गोल्डन जुबली फाउंडेशन पे क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहां पे आपको दिखाएगा गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम। LIC की तरफ से जो स्कीम है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपने अपना 12th पास किया है विद 60% मार्क्स, इसके अलावा जो आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 2 लाख पर एनम होनी चाहिए, तब जाके आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 10th किया है विद 60% और जो फैमिली इनकम है वो 2 लाख है, अगर आप किसी भी मेडिसिन कोर्स में, किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स में, किसी भी ग्रेजुएशन के किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तब जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10th के बाद कोई हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉर स्पेशल गर्ल चाइल्ड स्कॉलर, उनके लिए अलग स्कॉलरशिप दी जाती है और उनका जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो सेम यही रहता है कि 10+2 उनका होना चाहिए और इसके बाद 60% मार्क्स उनके 12th में होने चाहिए, या 10+2 भी जो भी उन्होंने किया होगा, चाहे डिप्लोमा किया होगा या कहीं से भी 12th किया होगा, तो उनकी परसेंटेज 60% होनी चाहिए। इसके बाद जो ड्यूरेशन होती है, ये जो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है ये आपको 2 ईयर्स प्रोवाइड की जाती है। जो आपको स्कॉलरशिप है, अगर आप रेगुलर स्कॉलर हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तब जाके आपको जो स्कॉलरशिप है वो 20,000 पर ईयर दी जाती है, और अगर आप स्पेशल गर्ल चाइल्ड हो उसके लिए आपको 10,000 स्कॉलरशिप दी जाती है। ये जो स्कॉलरशिप है ये आपके डायरेक्ट जो भी आप अकाउंट प्रोवाइड करेंगे उसी पे आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप की कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपने सारी देखनी है। जैसे कि सबसे पहले इसमें कंडीशन ये है कि 60% मार्क्स होने चाहिए और फैमिली इनकम जो है वो 2 लाख पर एनम होनी चाहिए। इसके बाद जो सिलेक्शन लिस्ट LIC की तरफ से निकलता है वो डिपेंड करता है आपकी फैमिली बैकग्राउंड से, आपके परसेंटेज मार्क्स से, वो उसी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा स्कॉलरशिप जो है ये फैमिली में एक ही स्टूडेंट को दी जाती है। इसके अलावा और भी कंडीशंस है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो एप्लीकेशन का मोड रहता है अप्लाई करने का, वो आपने डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि आपने जो यहाँ पे ईमेल देनी है या कॉन्टैक्ट देना है, फर्दर जो भी इनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ये आपके ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको ऊपर जो ये मार्क क्यों है वहाँ पे ही आपको एक जगह पे लिंक दी जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दी जाएगी। आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक जब करेंगे आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे अपना आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे फादर्स नेम या सरनेम जिसे हम कहते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे फादर का नाम देना है, उसके बाद आपका जेंडर क्या है,
उसके बाद डीओबी आपके क्या है, डीओबी आपने यहाँ पे पहले डेट देना है, उसके बाद मंथ देना है और उसके बाद ईयर देना है, उसके बाद नेशनलिटी क्या आप इंडियन है या फॉरेन वो आपने देनी है, उसके बाद आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस वन क्या है, उसके बाद एड्रेस टू क्या है वो देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी मांग रहा है, पिन कोड मांग रहा है वो आपने यहाँ पे सारा देना है, उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, उसके बाद जो आपकी ईमेल है वो यहाँ पे देनी है। फर्दर जो भी प्रोसेस होगी वो इसी ईमेल पे ही होगी, आपको ये ईमेल भेजेंगे, उसके बाद जो भी इनको प्रोसेस करनी होगी वो आप थ्रू ईमेल या मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि आपकी कोविड की वजह से कोई डेथ अगर हुई है तब जाके आप यहाँ पे दे सकते हैं यस, अदरवाइज यहाँ पे नो दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी कैटेगरी मांग रहा है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कोर्स कौन सा है आपका, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिसिन में कोई कोर्स कर रहे हो, आर्ट्स का सब्जेक्ट आपने लिया है, साइंस का लिया है, कॉमर्स डिप्लोमा कर रहे हो, या अगर आप ओनली फॉर गर्ल स्टूडेंट हो तब जाके आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप करते हो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन क्या, आपका कोर्स 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर है। उसके बाद एनुअल इनकम कितनी है आपने पेरेंट की वो आपने यहाँ पे देनी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो 10th का यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने 10th किया है, बोर्ड इंस्टीट्यूट, वो आपने नाम देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे क्या रहा है, आपको पता है कि अगर आपने 2018 या 19 से 10th पास किया है तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल है, या 2020 या 21 में किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके बाद परसेंटेज या मार्क्स यहाँ पे बताने हैं, इसी तरह 11th की भी आपने डिटेल देनी है, उसके बाद यहाँ पे 12th की डिटेल भी ऐसी ही देनी है, जैसे सबसे पहले आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है, किस ईयर में किया है, अगर आपने अपना 12th जो है 2020 में किया है या 2021 में किया है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा परसेंटेज कितनी रही है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बता रहा है कि एनी अदर फैमिली मेंबर अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप, वो आपने यस बताना है, अगर यस है, अगर नो है तो नो देना है। उसके बाद आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, क्या और कोई स्कॉलरशिप आप रिसीव करते हो वो आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने यहाँ पे बतानी है, जैसे अपना नाम बताना है, आपका नाम क्या है बैंक में, उसके बाद ब्रांच नेम क्या है, उसके बाद अकाउंट नंबर क्या है और IFSC कोड क्या है, उसके बाद लास्ट में आपने यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ आधार नंबर देने हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन में ये 3 स्टेप्स बताने हैं, आपने डिक्लेरेशन स्टेप देने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे अभी कोई डिटेल फिल नहीं की, इसीलिए जो मेरे यहाँ पे बर्थडे ये सब जो बता रहा है वो MPTA बता रहा है। अगर आपको ज्यूरिंग वीडियो या ज्यूरिंग फॉर्म फिल करते हुए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत सी सारी स्कॉलरशिप की वीडियोस मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, अगर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल है आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक्स।